अगर आप सिंपल खिचड़ी खा के बोर हो चुके हैं तो आप मसाले वाली वेजिटेबल खिचड़ी बना सकते हैं। घी के अंदर हींग जीरे का तड़का लगा लीजिए, उसके बाद इसके अंदर डालें प्याज और प्याज को हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएं। उसके बाद डालें मिक्स वेजिटेबल्स, मैंने कैरेट और कैप्सिकम का इस्तेमाल किया था और साथ में मैंने हरी मिर्ची डाल दी, आप चाहें तो इसके अंदर अदरक भी डाल सकते हैं। सबको थोड़ी देर सॉटे करने के बाद इसके अंदर लाल मिर्ची डाल दी है मैंने और साथ में डाले हल्दी पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। आप चाहें तो थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल सकते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको थोड़ा सा पका लीजिए और उसके बाद इसके अंदर डाल दिए मैंने मूंग दाल और साथ में डाले चावल। आप चाहें तो दोनों की इक्वल क्वांटिटी ले सकते हैं, मैंने थोड़ी दाल ज़्यादा ली थी और चावल थोड़े कम। अच्छे से इसको मिक्स करा है, 1 से 2 मिनट भूना है और उसके बाद इसके अंदर डाला है मैंने पानी। मैंने इसके अंदर 1 कप दाल चावल मिक्स करके लिए थे तो मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी डाल दिया है। आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर थोड़ी आपको खिचड़ी गाढ़ी चाहिए तो आप पानी कम डालें, थोड़ी पतली चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको आप 1 से 2 सीटी तक पका लीजिए, आपकी खिचड़ी अच्छे से पक जाएगी। इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं दूसरा तड़का, उसके लिए आप घी ले लीजिए, इसके अंदर डालें जीरा साथ में हींग और उसके बाद मैंने डाली इसके अंदर एक सूखी लाल मिर्ची और साथ में कड़ी पत्ता, सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद मैंने इसको डाल दिया कुकर के अंदर और आपकी बेहतरीन सी खिचड़ी रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इन्जॉय एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।